हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे। बहुत सारी डिमांड के चलते दो वीडियो पे बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। एक तो चल रही है कि दिल्ली जोन पे जीएसटी इंस्पेक्टर की कितनी रैंक जा सकती है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं कल डाल दूंगा आपको, शाम तक उस पर एनालिसिस कर रहा हूँ कि क्या होगा। और बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगता है वैकेंसी और इन सब चीज़ों पर देख करके। और मैंने आज अभी किया है कि मेंस के लिए क्या सेफ स्कोर होगा 4600 पे ग्रेड के लिए एंड 2400 पे ग्रेड के लिए, मतलब एक जॉब पाने के लिए और 4600 पे ग्रेड की जॉब पाने के लिए क्या टारगेट स्कोर रखें, उस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे बच्चे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वैकेंसी की भी डिटेल होगी इस वीडियो पे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट पूरी बना दे रहा हूँ जिसमें सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम, सारे जितने एग्जाम हैं और मतलब जितने पोस्ट हैं उनके क्या टारगेट स्कोर हो, डेली डेली आपको डेली एक वीडियो इस पर मिलता रहेगा। प्लस कोशिश करते हैं डेली करंट अफेयर भी इस वीडियो पे इस पर मिलता रहे। देखिए, बात कर लेते हैं 4600 पे ग्रेड की। तो आपको पता होगा एएसओ एंड सीएसएस में तकरीबन कितनी वैकेंसी है, ₹930, और तकरीबन 2700 प्लस वैकेंसी ये भी बढ़ चुकी है, तक जीएसटी में हो चुकी है। इनकम टैक्स में बात करें तो 411 वैकेंसी है। प्रिवेंटिव ऑफिसर में बात करें तो 340, एग्जामिनर की 145, पोस्ट की इंस्पेक्टर पोस्ट की 55, और सीबीएसई इंस्पेक्टर और ये सब 15, लगभग लगभग ये पोस्ट भी 5000 प्लस जा रही है। ठीक है, 5000 प्लस जा रही है। और अभी इसमें बहुत सारे एड ऑन होने हैं, बहुत सारे पोस्ट का डिटेल हमें भी आइडिया अभी नहीं था कि सब मतलब डिपार्टमेंटल वाइज, मतलब कितना कैटेगरी वाइज है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की तो 925 है बच्चों, और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये 4200 पे ग्रेड की होती है, 111 है। यहाँ पे देख सकते हैं सीजीडीए में 1800 वैकेंसी आई थी, और भी बाकी डिपार्टमेंट में 2800 पे ग्रेड में भी बढ़ चुकी है। और तकरीबन इस बार उम्मीद कर सकते हैं आपकी 20 के भी वैकेंसी हो जाएगी मेंस का फाइनल होते होते, सो दैट कि आप अपनी तैयारी में बच्चों कमी मत रखिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं टैक्स असिस्टेंट में। तकरीबन 1600 है, 9000 पीए, 4000 पीएसए में है, और भी ऐसे ऐसे वैकेंसियां बढ़ चुकी हैं बच्चों। बात कर लेते हैं कैसे ब्रेकअप है कैटेगरी वाइज। तो आप देख सकते हैं 27 प्लस के लिए 2200, 1424 ओबीसी के लिए 500 के अराउंड, ईडब्ल्यूएस एससी के लिए 800, और 450 अराउंड एसटी के लिए। टोटल 5000 प्लस, 5500 प्लस है, ये भी 6000 के अराउंड जाने वाली है, 6000 प्लस वैकेंसी जाने वाली है। ठीक है, अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं। ये तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या किस उसमें है, इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि कितना है। अब मैं एक बता देता हूं आपको कि 2023 के हिसाब से, जो कि तकरीबन लगभग लगभग जो 4600 पे ग्रेड की आसपास ही वैकेंसी थी, अगर उसमें मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो यूआर के लिए 310 था, और सेफ स्कोर इन द सेंस कि कट ऑफ के लिए ओबीसी के लिए 307, ईडब्ल्यूएस के लिए 307, एससी के लिए 288 और एसटी के लिए 283, जो कि इस बार अब बदलने वाला है। आपको मैं बताऊं, इस बार थोड़ा थोड़ा आप लोग अपग्रेड मतलब ऊपर ही टारगेट रखिएगा कि ईडब्ल्यूएस वाले और यूआर वाले 213 प्लस 313 प्लस रखिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज यूआर, ये रॉ स्कोर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ये बच्चों रॉ स्कोर की बात हो रही है। एक सेकेंड, क्या हो, हाँ ये रॉ स्कोर की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रॉ स्कोर की बात हो रही है पहले बच्चे, क्या हो गया इनको भाई। हाँ चलिए ठीक, अगर मैं बात करूँ ओबीसी में, प्यारे बच्चे ओबीसी में आप लोग 308 से 309 नंबर ऊपर रखिएगा, और ईडब्ल्यूएस में बात करूँ, तो भी 308 से प्लस रखिएगा, रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। एससी की बात करूँ तो 290 प्लस रखिएगा, और क्योंकि इस बार वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है एससी एसटी की, और एसटी की बात करूँ, तो 285 प्लस वाले 4600 पे ग्रेड के लिए तैयार रहे, उनके चांसेस बहुत अधिक है। ये है बेटा 4600 प्लस पे ग्रेड के लिए। अब दूसरी बात कि अगर बस आपको एक जॉब चाहिए तो लास्ट ईयर क्या रहा, 303 रहा, क्योंकि वैकेंसी भी 8400 थी, ध्यान रखिए। लेकिन इस बार कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही इस बार, इसीलिए आप देख रहे हैं बहुत सारे प्री में भी स्कोर बहुत अच्छे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ ओबीसी के लिए 301, ईडब्ल्यूएस के लिए 301, एससी के लिए 284 और 276 एसटी के लिए, बट इस बार क्या होगा बेटा, यूआर के लिए अगर आप 298 प्लस भी हैं तो भी चांस पूरा अच्छा रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 295 प्लस हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। एससी के लिए
280 के अराउंड टारगेट रखिएगा, थोड़ा सा इससे कम भी चलेगा, ये सब इससे कम आएगा लेकिन बट इतना रखेंगे तभी तो इतना आ पाएगा। एसटी के लिए मैं बात करूं तो 200 200 बेटा 73 से नीचे अराउंड रहेंगे तो भी चल जाएगा, बट अगर एक जॉब चाहिए तो एटलीस्ट इतना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा 2400 पे ग्रेड के लिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर मिलने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। प्लस और भी नेक्स्ट वीडियो मैं दिल्ली के ऊपर लाऊंगा कि दिल्ली और कोलकाता में जीएसटी के लिए क्या कितनी वैकेंसी चाहिए, वो कल आपको मिल जाएगी। डेली शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूं मैं, डेली एक टॉपिक वाइज क्या क्या प्रीवियस ईयर कटअप रहे हैं। तो ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।